द अल्टीमेट कुकिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाली, बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली पनीर भुर्जी की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए इसके लिए हमें। इसके लिए मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के बारीक बारीक प्याज कट कर लिए हैं और 3 मीडियम साइज़ के ही टमाटर। ये 200 ग्राम पनीर है, 1 चम्मच कुटा लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 हरी मिर्चें हैं। बाकी जो मसाले मैं डालूंगी वो मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगी। अब सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमें इसके लिए हमें पनीर को कद्दूकस या वैसे कट नहीं करना है, ना कद्दूकस करना है, हमें इसको थोड़ा थोड़ा सा बस हाथों से ऐसे क्रम्बल करना है, मतलब छोटे छोटे रफली पीसेस इसके हमें कर लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से आप अपने सारे पनीर को क्रम्बल कर लीजिए। देखिए हमने सारे पनीर को क्रम्बल कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पनीर भुर्जी बनाना। अब इसके लिए मैंने एक कढ़ाई को गैस पर रख लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल। इसमें मैं दोस्तों थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मैं आपको ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी बता रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें, आप कम तेल पसंद करते हैं तो आप कम तेल भी डाल सकते हैं। अब जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है, सबसे पहले मैं इसमें 1 तेज़पत्ता जिसको 2 टुकड़ों में कर लिया है वो डाल रही हूँ, और अब 2 हरी इलायचियाँ। इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर हमारी सब्जी को मिलता है। अब मैं डाल रही हूँ बिल्कुल 1 पिंच हींग और 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जैसे ही हमारा जीरा तड़केगा, देखिए हमारा जीरा तड़कने लगा है, अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटी हुई प्याज। देखिए हल्की हल्की हमारी प्याज भुनने लगी है। अभी इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 कटी हुई हरी मिर्चें, इन्हें भी मैं डालकर इसमें भून लूंगी और इसे अच्छे से गुलाबी होने तक भून लूंगी मैं प्याज को। ये सब्जी दोस्तों इतनी झटपट बनती है ना कि एकदम सिंपल रेसिपी है बनाना इसको, और इसका जब ये बन तैयार होती है तो इसका जो कलर और टेस्ट है ना वो तो आप पूछे ही मत। बस इसको प्याज को आप अच्छे से गुलाबी होने तक भूनिए। देखिए हमारी प्याज थोड़ी थोड़ी से भुनने लगी है। अब मैं आपको बताती हूँ वो सीक्रेट चीज़ जो सभी ढाबे वाले अपनी ग्रेवी वाली सब्जियों में डालते हैं और जिससे उनकी ग्रेवी का टेक्सचर एकदम रिच आता है, तो वो है बेसन। वो लोग अपनी सब्जियों की ग्रेवी बनाते समय उसमें 1 छोटी चम्मच बेसन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो सब्जी की ग्रेवी का टेक्सचर है ना वो बहुत ही क्रीमी और रिच बन जाता है। तो अब मैं इस स्टेज पर डाल रही हूँ उसमें 1 छोटी चम्मच, बहुत ही छोटा चम्मच बेसन की, और इसे भी मैं इस प्याज के साथ अच्छे से भून लूंगी। आप इसमें ज़्यादा बेसन बिल्कुल मत डालिएगा, बस 1 बहुत छोटा टीस्पून बेसन काफ़ी है। देखिए दोस्तों हमारी प्याज लगभग भुनने वाली है और हमारा बेसन भी इसमें अच्छे से भुन चुका है। अब मैं डालती हूँ इसमें कुछ मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ये मैं डाल रही हूँ दोस्तों इसमें 1 चम्मच पनीर मसाला, ये रेडीमेड पनीर मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। और अब मैं इन सारे मसालों को अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लूंगी। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने 3 कटे हुए टमाटर और इन्हें भी अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं डाल दूंगी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जिससे हमारे टमाटर गलने में इजी होगा, और इसी स्टेज पर 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, और इन सभी को मिलाते हुए अपने टमाटरों को भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाने तक मैं इन्हें पका लूंगी। अब इसी स्टेज पर मैं क्या करूंगी, मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक दूंगी और बिल्कुल सिम गैस पर मैं इन्हें टमाटरों को अच्छे से पकने दूंगी। देखिए करीब 2 मिनट हो गए हैं हमारे मसाले को पकते हुए। ये देखिए ये अच्छे से पक चुका है। अब आप इसे थोड़ा सा अच्छे से मैश कर लें। देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है और इसमें से तेल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालते हैं, बस थोड़ा सा पानी इसमें हम डालेंगे। मैंने इसमें करीब 1/2 छोटा कप पानी डाला है और इसे भी एक बार उबाल आने तक पकाएंगे। देखिए हमारी ग्रेवी खदकने लगी है। अब इस स्टेज पर आप डाल दें अपना क्रम्बल किया हुआ पनीर और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें।
और अब इसी स्टेज पर आप इसमें डाल दें आधा छोटी चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैं हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालूंगी जिससे इसका फ्लेवर एकदम निकल के आएगा। और इन्हें भी मिक्स कर लें। देखिए हमने अपनी सारी चीज़ों को मिला लिया है। अब आप क्या करें, गैस का फ्लेम कर दें बिल्कुल सिम और इसे ढककर करीब 4 से 5 मिनट पकने दें जिससे हमारे सारे मसालों का फ्लेवर हमारे पनीर में आ जाए। देखिए दोस्तों हमारी सब्जी को पकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से ऑयल भी इस पर आ गया है ऊपर और ये हमारी पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। बस अब आप गैस का फ्लेम कर दें बंद और इस पर डाल दें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी मिक्स कर लें। देखिए दोस्तों हमारी पनीर भुर्जी सर्व के लिए तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।